एवरीवन, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और मैं जा रही हूँ आज गाँव। तो मैं सोची चलो ब्लॉग बना लेते हैं अपना। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और टाइम अभी 3:30 बजने पा रहे हैं। हम 3 बजे ने सोच रहे निकल जाएंगे, फिर भी ना 3:30 बज गए। बस अभी तैयार वैयार हो गए, बैग ले लिया मैंने अपना। मुझे ना ये पर्स अच्छा लगता है, सब पर्स में छोटू सा। कितने का? हाँ तो देख लो गैस, ये नेक्स्ट 2600 का पर्स है। पर ये इसको ना कई साल हो गई, तीन साल में ऐसा कैसा, ये नया का नया कुछ भी ना बिगड़ा। ये सबसे ज़्यादा यूज में इसी को करती हूँ, और भी हैं बट यूज में इसी को करती हूँ, यही सही लगता है। बाकी तो और सब तो ऐसे लगते हैं अजीब से। इसको ना ऐसे मतलब ऐसे भी लटका लो, और या फिर जो कि ये हाथ में अगर ऐसे करके लटकाओ तो ये बहुत अच्छा सेलिब्रिटी वाला लुक देता है इस तरीके से छोटू सा। तो मेरे को ना इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी जब जैसे बोर होती हूँ तो फिर उस तरीके से यहाँ से ऐसे कभी से लटका लेती। सॉरी, मैंने गोलू को पैर पर पैर रख गया। गीले हैं ना सैंडल थोड़े? मैंने ना ये धो दिए था अभी, और फिर सूखे नहीं, छत पर रख देती तो सूख जाती, यहीं पर रख दिए थे। या कवर दे दो सामने वाले ने, वो लो लो हो जाता है अपना। एक लोवर लोवर रख लो हाफ, मैं तो रख लिया अपने लोवर टी शर्ट, मेरे पास सोया जा रहा है ना। अपने रख लो लोवर, लोवर से रख लेते हाफ हाफ सा, एक ही टी शर्ट तो फिर सोनू का होता नहीं है ना उसका, वो लंबा सा ज़्यादा पतला भी है। तो चलेगा, इस बने रहिएगा। मैं थोड़ा सा वो कवर वगैरह वो करना है तो वो कर दूँ, और बस निकलते फिर ना लेट हो रहा है। मैंने तो वहाँ पर रख दिया था शायद, ये कवर मेरा बेकार आ गया है। तो गाइस, मैं ना घर से निकल गई हूँ और अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे तो घर से ही निकले थे। और मैं इनको बोली थी हम चल रहे हैं, आप आओ, क्योंकि ना क्या ना कि गर्मी से होने लगती है गाड़ी में। तो बस, और अभी ये है कि शाम में जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इतनी गर्मी भी नहीं रही, क्योंकि ना इन दिनों में ना उमज वाली जो पसेब वाली गर्मी होती है ना वो गर्मी हो रही है। और बस पूछिए मतलब इतना हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी ना, बहुत भयंकर वाली गर्मी होने लगती है। तो बस अभी थोड़ा सा लेट जाएंगे तो सही रहेगा। और मैं ना मतलब अपने गांव जा रही हूँ, तो जहाँ तक मुझसे ब्लॉग शूट होगा मैं करूँगी। वैसे तो देखिए ये होता है ना, गांव गाँव जाओ तो फिर ना ब्लॉग बनाना भूल जाते हैं, तो वही है। तो अब देखते हैं जहाँ तक ब्लॉग बनेगा आप लोग देखिएगा। और वैसे काफ़ी अच्छा ब्लॉग है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कई दिन के बाद तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर रुक गई थी क्योंकि ना इनका फ़ोन आ गया था, फिर मैं बात करने लगी और अभी भी कोई गेट बजा रहा है, मैंने देखना कौन है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर हमको इतना टाइम लग गया था, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मेरा तो पैर भी दुख गए थे तो मैं पैर ऊपर रख ली, और क्योंकि ना यहाँ पे क्या था कि ये ख़राब हो गया था, तो फिर गाड़ी जो बैक करना पड़ा, बैक करने के बाद फिर आगे को गए। तो ऐसे ही करके ना मतलब इतना टाइम हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से फिर हम लोग लेट भी हो गए थे क्योंकि हम फिर 7:15 बजे के करीब घर पहुँचे। तो देखिए ना अभी भी यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो हो रखा है। तो ये होता है ना कि अब ये लाइन है और पीछे से जो कि पीछे तक भी लाइन होती है, अगर इसको बैक करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस पूछिए मतलब सड़ी वाली जो गर्मी होती है वो, तो क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद गाड़ी को बैक किया, उसके बाद फिर हम दूसरे से निकले क्योंकि वहाँ से तो वो ही नहीं हो रखा था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फिर वो चलने लगा। मैं कह रही देखो कभी कभी ना ऐसे होता है कि अपने लिए ही मतलब टाइम होता है,
तो जैसे कि मैंने बोला था, फिर दूसरे से निकले उधर वाला भी चलने लगा था, फिर हमारा तो टाइम बर्बाद हो गया बिना मतलब की, क्योंकि कम से कम हो गया 20 मिनट हम लोग वहाँ पे रहे। और उसके बाद ना बारिश सी भी होने लगी थी, बूंदें आने लगी थी हल्की हल्की सी। तो देखिए मैं अभी बैठी हुई हूँ क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा वो हड़कल सा हो रखा, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो गाइस, ये दोनों के दोनों सो गए, दोनों भैया ये की जगह, और मुझे डर लग रहा है कि कभी वो गिर ना जाए छोटा वाला। तो फिर भी मैंने इसको ना सीधा कर दिया, थोड़ा सा डर रहता है ना बच्चे का। अब गाड़ी रोकोगे कहीं, वही करूँगी फिर, क्योंकि नहीं तो फिर वो हो जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हम नोएडा वाला जो हाईवे था वो भी बंद था, जैसे कि मैंने बोला था, क्योंकि वहाँ से तो था ही फिर, लेकिन इधर भी बंद था। मतलब इतना ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हुआ आज के, बस सोचो नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो बंद था, इधर इधर ये बंद था। क्योंकि उसके बाद फिर घूम के गए, और जब घूम के जाते तो फिर आपको पता ही, थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो टाइम लग गया था थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा इनसे कि किधर को जो मतलब अब जाना है, क्योंकि इधर तो ये बंद था। फिर उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे जाना है तब आप जा सकते, क्योंकि हाईवे में थोड़ा समझ में नहीं आता है। और फिर दूसरा ये था कि कहीं फंस जाएं, और रात का टाइम होने वाला था, तो इसलिए इनसे बातें बातें कि वे इधर पूछ पाछ के तब हम लोग गए। और उसके बाद देखिए हम आ गए यहाँ, ये यहाँ मेरे को ना गोलगप्पे खाने का बहुत मन था कि नहीं मुझे ना गोलगप्पे खाने। तो फिर इन्होंने यहाँ पर मतलब रोका गाड़ी को, गोलगप्पे खाए, लेकिन गोलगप्पे तो खाए लेकिन इतना ज़्यादा वो हो रखा था कि अच्छा नहीं लग रहा था। और क्योंकि बारिश की वजह से ना कहीं भी कुछ भी खाओ ना, इतनी मक्खी मक्खी मक्खी, तो इतना ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था। मैं तो दो गोलगप्पे खा के वापस आ गई, मन कि मुझे नहीं खाना है। अब दो खाओ या चार खाओ, खाए तो थे है कि नहीं। तो अभी ये देखिए हम नोएडा वाले हाईवे पे चल गए, और उसके बाद देखिए थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे गांव वाला ही रास्ता है। तो देखिए हमें यहाँ से उतरना है। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और घर जाने के बाद तो मैं अपना ब्लॉग बनाना भूल ही गई कि मुझे घर ब्लॉग भी बनाना है, क्योंकि होता है ना गाँव में जाके। और उसके बाद फिर ना हम यहाँ से उतरे थे, तो फिर हम उधर हमारे यहाँ एक वो पड़ता है टप्पल, तो वहाँ से हमने घर के लिए कुछ खाने के लिए लिया। और खाने के लिए लेने के बाद फिर हम लोग आगे गए। और ये देखिए यहाँ पर मतलब फोन कैसा हो गया ये, तो ये देखिए। और अभी बस यहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो आजकल ना मेरे ब्लॉग इस तरीके से ही हो रखे हैं, मतलब सही से मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब पर ज़्यादा वो नहीं रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करो उसके बाद भी कुछ नहीं है। तो फिर ये तो ये कि हाँ थोड़ा चैनल चलता रहे, आईडी बंद ना हो। तो ये है दूसरे दिन की क्लिप। यहाँ पर मैं कपड़े ले रही थी लड़की के लिए, वो ना मेरे दौराने पर वो लड़की हुई थी, तो मैं सोची चलो उसके लिए कपड़े ले लेते। और यहाँ पर मेरे को कपड़े लिए, और कपड़े लेने के बाद फिर मैं ससुराल जाने से पहले, मेरी एक दीदी है मतलब गांव की, फ्रेंड फ्रेंड क्या मतलब दीदी है, तो उनसे मुझे थोड़ा मिलना है। मिलने के बाद फिर मैं ससुराल जाऊँगी।
तो ये जो डांगरी वाले कपड़े ना मेरे फेवरेट हैं, मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने गोलू को बहुत पहनाई हूँ ये वाले कपड़े। और अभी भी मैं कल परसों भी उसके लिए ऐसे ही कपड़े लिए ली थी, तो पता नहीं क्यों मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम ना अलग सा लुक आता है बच्चे का। तो इसमें ये कलर देख रहे थे कि कौन सा कलर ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का ये येलो टच में है, वो ब्लैक में है, तो अब देखो ये कौन सा, मतलब उन्होंने पसंद किया था दूसरे वाला कि ये वाला ले लो। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये बिल बना रहे हैं भैया। अब एक जोड़ी भाभी ने भी लिए थे क्योंकि भाभी मेरे साथ थी। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से देखिए इस तरीके का बाजार है ये जेवर यहाँ पर, तो नजरिया वगैरह जो ली थी वो भी ले ली थी। उसके बाद में जो बता रही थी दीदी के घर आ गए, दीदी के घर आने के बाद ये नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं ससुराल चली गई थी। ससुराल का और मायके का मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मेरी भतीजी फ़ोन चला रही है, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करूँ